हाय स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 96 पे जो आपका मैप दिया हुआ है, दैट इज अ मैप ऑफ रानपुर विलेज का मैप दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। वहाँ पे देखो कैसे दिया हुआ है, ये जो शो कर रहा है अभी डिस्कस किया रिवर फ्लो को है, ये रोड्स बता रहा है, देन यहाँ पे ये जो सिंबल है उन्होंने किसके लिए यूज किया, स्कूल के लिए, ये ग्राम पंचायत के लिए है, ये हैंडपंप के लिए यूज किया, ये डेयरी के लिए यूज किया, देन दिस इज अ हॉस्पिटल, ये वेल है, ये चिल्ड्रन का गार्डन, गार्डन पार्क है, ठीक है। तो इस सब में हम क्या देखें कि डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है, इवन पॉन्ड का भी सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक सिंबल दिया, दैट इज पॉन्ड का दिया हुआ है सिंबल, डिफरेंट सिंबल्स हमारे यहाँ यूज किए गए। तो पोस्ट ऑफिस, ये हो गया पोस्ट ऑफिस, ये गार्डन है, ये वेल क्या है, वेल ये स्कूल का सिंबल इन्होंने यूज किया था और ये ग्राम पंचायत के लिए इन्होंने यूज किया, ठीक है। अब तुम्हें कैसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बुक में, सपोज हमारे बुक में क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कि ये बर्ड फीडिंग के लिए यूज किया गया है, जैसे रस्ते तुम जब गांव में जाओगे तो मुझसे तुम देखते होगे कि गांव में क्या होता है, चिड़िया के दाने खाने के लिए कुछ एक अलग से बनाया जाता है, वहां पे तुम डाल देते हो पल्सेस वगैरह, वो आके खाते हैं, ये हैंडपंप के लिए। तो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, तो ऑप्शन आ गए सपोज हैंडपंप आ गए, डेयरी मिल्क आ गई और डेयरी आ गई, देन पॉन्ड आ गए, तो नॉर्थ में एग्जैक्टली नॉर्थ में वो कौन है, हैंडपंप आ जाएगा। वही क्वेश्चन आ गया कि पोस्ट ऑफिस की इस डायरेक्शन में कौन है, पोस्ट ऑफिस के इस डायरेक्शन में कौन है, तो इस डायरेक्शन में कौन है, स्कूल है, क्योंकि चार डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इन द इस डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो इस डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस में हमारे पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, स्कूल है, देन ग्राम पंचायत है। वही पूछा जाए व्हाट आर द इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, साउथ डायरेक्शन में क्या है, दैट इज गार्डन प्लेग्राउंड है और वेस्ट क्या है, गार्डन और प्ले ग्राउंड। इसके वेस्ट में पूछा जाएगा कि क्या है, नथिंग इज देयर इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट में भी कुछ नहीं, ना ही नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ गिवन है। वही अगर मैं स्कूल का पूछूं कि व्हाट आर व्हाट इज इन द वेस्ट साइड ऑफ द स्कूल, वेस्ट साइड ऑफ द स्कूल क्या है, पोस्ट ऑफिस, व्हाट इज इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो ईस्ट में नहीं है, ये कहां आ गया, साउथ ईस्ट, क्या हो गया, साउथ ईस्ट। जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने तीन चार डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट और ईस्ट, इन दोनों के बीच में अगर कुछ, जैसे इन दोनों के बीच में ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन, उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट। ये सेम एज इट इज नीचे, साउथ और वेस्ट के बीच की जो पोजिशन है उसको बोला जाता है साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसे बोला जाता है साउथ ईस्ट, क्या बोला जाता है, साउथ ईस्ट। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। अब पूछा गया व्हाट वेयर इज द ग्राम पंचायत एज पर द स्कूल के हिसाब से, ग्राम पंचायत क्या है तो कहाँ पे आ जाएगी, देखो साउथ इधर हुआ ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्कूल ग्राम पंचायत प्रेजेंट है। वही अगर मैं गार्डन की बात करूँ तो गार्डन के नॉर्थ में कौन है, पोस्ट ऑफिस, साउथ में ईस्ट में बर्ड फीडिंग वाला है, देन वही मैं अगर पूछा जाए कि गार्डन के लेफ्ट में कौन है, वेस्ट डायरेक्शन कौन है, तो कुछ भी नहीं है, वेस्ट डायरेक्शन है, सेम वेल के वेस्ट डायरेक्शन में कुछ नहीं है, इस डायरेक्शन पूछा जाए तो डेयरी आ जाएगी, क्या चाहिए, डेयरी आ जाएगी। वही अगर मैं ग्राम पंचायत के बारे में बोलूँ कि व्हाट इज द नियर टू द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के नियर कौन है, तो क्या आ जाएगा, रेल, ये हमारा रोड चल रहा है उसके नियर कौन है, डेयरी है, हैंडपंप है ना। अब मुझे पूछा जाए कि हैंडपंप की नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है, तो क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायत, ईस्ट में आ जाएगा पॉन्ड, साउथ के ईस्ट में आ जाएगा हॉस्पिटल और वेस्ट में आ जाएगा दैट इज डेयरी। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हमने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन मोस्टली मैप का तुम्हारे बुक में अगर है तो उसमें क्वेश्चन यही आएंगे कि तुम तुम्हारे क्लास को रिप्रेजेंट करो मैप के सिम्बॉल्स में, प्लस किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे तुम रोड पे भी जब ट्रैवल करो तुम देखते हो ना सिंबल्स ही होते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे स्लो करो, डोंट हॉर्न मतलब बजाओ मत, आवाज साउंड हो नॉइस के लिए सिंबल आ जाता है,
यू टर्न का सिंबल आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं ऐसे रोड पे जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब मैप का सिंबल अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने देखा था कि माउंटेन के लिए पहाड़ों को स्ट्रक्चर बनाया जाता है, रिवर के लिए अलग फ्लो किया जाता है, रेल बोर्ड के लिए हमने देखा था कि लाइन के ऊपर क्रॉसिंग की जाती है, तो इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स यूज किया जाता है। क्वेश्चन आता है वेयर इज द मैप इज यूज, तो मैप कहाँ यूज किया जाता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आता है। अगर इसी को क्वेश्चन है तो स्कूल इज इन द डैश डायरेक्शन ऑफ द विलेज, स्कूल किस डायरेक्शन ऑफ द विलेज है, तो नॉर्थ डायरेक्शन है, स्कूल का है नॉर्थ डायरेक्शन है। माई विलेज इज इन द डैश डायरेक्शन ऑफ तालुका हेडक्वार्टर, तो कौन से हेडक्वार्टर के है, विलेज वेस्ट के में है। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन हमारे आस पास आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेयर मैप इज यूज टू शो द गिवन डिस्टेंस और टू गो थ्रू वन प्लेस टू अनदर व्हेन मैप इज यूज, है ना। अगर मैप नहीं होगी तो हम कहीं से कहीं जाना इम्पॉसिबल होगा ना, क्योंकि देखो जब भी वास्को डी गामा थे जिन्होंने बोला जाता है कि इंडिया का आविष्कार किया, जबकि ऐसा नहीं था, कुछ और स्टोरी थी, है ना। तो ये सब जो स्टोरीज थी कि भाई हम इन्होंने फाइंड आउट किया, तो वास्को डी गामा जब आए थे तो उन्होंने मैप तो लिया नहीं था, वो तो फाइंड आउट करने निकले थे कि कौन सा आइलैंड उनको मिल जाए, है ना, नियर। तो अब मैप के थ्रू हमें पता है कि अमेरिका में कौन सी जगह पे कहाँ पे कौन सी चीज प्रेजेंट है, कितना उसका एरिया है, तो सब किसकी वजह से फाइंड आउट कर पा रहे हैं, अमेरिका का मैप की वजह से हम ये सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैप इंपॉर्टेंट है किसी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, मूवमेंट के लिए, इन दो चीजों के लिए हम लोग मैप का यूज करते हैं, ओके। तो हमारा चैप्टर दैट इज लेट अस मेक अ मैप यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ओके, थैंक यू।